Okay students, let's continue our video. In the last video we have seen and previously we have studied about the some base and then some chemical you can say the acids. Now I'm going to talk about the natural indicator which is around us. We have studied three natural indicator. First one is the litmus paper, second is a turmeric, and third will be the China rose. So we are going to study here one by taking the first indicator, that is the litmus paper. Okay, so I am going to talk about the litmus paper. Here I have written some property of that litmus paper. Litmus paper, you all know, it is used to determine the acidic and basic property of the solution. किसी भी solution की ये property जानने के लिए कि given solution हमारे पास acid है या base है, उसके लिए जो paper strip जो तैयार की जाती है वो litmus है, litmus paper है. ये litmus paper है जो ये मिलता है, it is taken from the lichen plant, और lichen plant which is made by the symbiotic relationship between the algae and fungi. You know about it, we have studied this relationship in the second chapter also. Okay. Naturally, it is found in purple in color. Okay, when it is mixed in water, or you can say dissolved in water, it gives a purple color. So naturally, it has a purple color. इसका खुद का color कैसा होता है? Purple होता है. Available in solution and paper strip both. It is found in a form of solution, liquid form में भी मिलता है, and it is found in a paper strip. And there are two color of paper strip we can made by the litmus. That is a red color. And that is another is a blue color. Okay, where we use the blue color strip in acid. Okay, acid turn blue litmus paper into red. ये क्या करता है? Blue litmus paper को red में convert कर देता है. You can learn it by the acid end with the D and red also end with the D. Means acid turn blue to red and red remains रेड. अगर हम रेड स्ट्रिप को यूज में लेंगे तो इसको कैसा रखेगा? वो रेड ही रखेगा. गॉट इट? नेक्स्ट, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. बेस व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम द बी, यू कैन लर्न इट, एंड ब्लू आल्सो फ्रॉम द बी. मींस व्हेन वी यूज द रेड लिटमस पेपर इन अ बेसिक सॉल्यूशन देन इट टर्न इनटू ब्लू कलर. एंड इफ यू यूज ब्लू इन बेस इट रिमेंस ब्लू. अगर बेस में ब्लू डालते हैं तो वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा. क्लियर अबाउट दैट? सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर, दैट इज द लिटमस पेपर. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्मरिक हियर. ओके, टर्मरिक फॉर टेकिंग एज अ लिटमस पेपर वी हैव टू मेक ए पेपर स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक फर्स्ट. फॉर मेकिंग द पेपर स्ट्रिप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we'll take the paste of the turmeric and we take a blotting paper and we spread that paste on a blotting paper. A blotting paper is a type of paper which absorb the things which are put on over it. Okay, जो भी चीजें इसके ऊपर डाली जाती हैं, लिक्विड सॉल्यूशन जो डाला है तो उसको क्या कर लेता है, अब्जोर्ब कर लेता है. एंड आफ्टर दैट वी ड्राई इट. ओके, लीव इट फॉर ड्राई, उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं. जब वो सूख जाता है देन वी कैन गेट अ स्ट्रिप ऑफ दैट टर्मरिक. ओके, स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर. नाउ दैट टर्मरिक पेपर इज रेडी टू चेक द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ गिवन सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन होगा उसके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए हम टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप को अब यूज में ले सकते हैं. क्लियर अबाउट दैट? इसके अलावा इसमें क्या होता है, जब हम टर्मरिक स्ट्रिप को किसमें डालते हैं, जब एसिड में डालते हैं तो एसिड में इसका कलर सेम रहता है, इट रिमेंस येलो ओनली. वी नो द कलर, नेचुरल कलर ऑफ टर्मरिक इज येलो, सो इट रिमेंस येलो इन एसिड एंड इट टर्न्स रेडिश इन बेस. बेस के अंदर इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है. ये एग्जांपल हम बहुत बार देख चुके हैं. कई बार हम खाना खा रहे होते हैं, अपन वेजिटेबल्स ले रहे होते हैं, पिकल्स ले रहे होते हैं, तो कई बार अपने कपड़ों के ऊपर गिर जाता है, और जब वो वॉश करते हैं उस टाइम जब उसके ऊपर सोप लगता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर रेड हो जाता है. क्यों? बिकॉज सोप आर मेड बाई द बेस. ओके, वी हैव स्टडी अबाउट दैट. हमने ये पढ़ भी लिया था कि किसकी बनी हुई होती है, बेस की बनी हुई होती है, इसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अनदर नेचुरल इंडिकेटर विच रिमेन हेयर,
that is the China rose. Okay, China rose. Okay, it is the botanical name of China rose is hibiscus. इसका जो बोटनिकल नेम होता है चाइना रोज का वो हिबिस्कस होता है. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं. ठीक है, इसके रेड कलर के फ्लावर होते हैं, जो पेटल्स होती है वो रेड कलर की होती हैं. तो इसके फ्लावर के बारे में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. तो चाइना रोज जो पेटल्स होती हैं उसको भी एज ए इंडिकेटर यूज में ले सकते हैं. सो फॉर मेकिंग द सोल्यूशन ऑफ दैट चाइना रोज वी हैव टू पुट इन अ वॉर्म वाटर फर्स्ट. After that, after soaking in warm water, we take a colored solution. Okay, that solution we can use to determine the acidic and basic behavior of the solution. वो जो solution बनेगा हमारे पास उसको हम acid और base में put करके हम उसको क्या करेंगे, use में लेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम acidic और basic behavior उसका बता सकते हैं, determine कर सकते हैं. कैसे determine करेंगे, इट इन एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम चाइना रोज सॉल्यूशन को डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो डार्क पिंक या मैजेंटा कलर का हो जाता है. ठीक है, इट गिव्स इन एसिड इट टर्न इनटू पिंक और मैजेंटा, या तो पिंक कलर का हो जाएगा या मैजेंटा कलर उसका कर देता है, या उसमें डालने पे तो सॉल्यूशन का कलर मैजेंटा या पिंक कलर का हो जाएगा. लेकिन अगर उसको हम किस में डालते हैं, बेस में डालते हैं, द कलर बिकम ग्रीन. ये कैसा कलर हो जाएगा, इसका ग्रीन कलर हो जाएगा. तो ये सब क्या है, इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं इनकी, नेचुरल इंडिकेटर्स की, जो हमें इसमें रीड करनी है. क्लियर ऑन देम. नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी हैव लिसन अबाउट इट मेनी टाइम्स एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो वॉट इज एसिड रेन. ओके, एसिड रेन के बारे में हर कोई जानना चाहता है, बहुत बार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एसिड रेन क्या होता है, वी नो अबाउट द रेन, वॉट इज द मीन ऑफ एसिड रेन. ओके, ये एसिड रेन क्या होती है, क्या होता है स्टूडेंट्स, जब लंबे टाइम तक बारिश नहीं हो रही होती है तो वी नो दैट इन द एनवायरनमेंट देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स आर देयर. बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और वो बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं. जब ये पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ना सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, वी नो दैट द एनिमल्स breathe out the carbon dioxide. Okay, so there is a more lot of amount of carbon dioxide in the nature. Carbon dioxide बहुत ज़्यादा है. जब इसकी carbon dioxide क्या करती है, जो water molecule है, moisture of the environment है, जब जो rain water है उसके साथ क्या करता है, reaction कर लेता है, तो ये एक तरह से क्या बना लेता है, ये बनाएगा H2CO3. This is a carbonic acid. क्या है ये, कार्बोनिक एसिड. जब ये वाटर के साथ CO2 मिल जाता है, ये पोल्यूटेंट है, रेन वाटर के साथ ये मिक्स हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोनिक एसिड में. सेम लाइक दैट सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, ये H2SO3 सल्फ्यूरिक, या हम ये बोल सकते हैं सल्फ्यूरस एसिड. और अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, SO2 की जगह ये क्या हो जाए, SO3 हो जाए, तो ये बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, अनदर एग्जांपल यू कैन टेक नाइट्रस ऑक्साइड. जब नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, इट कन्वर्ट इनटू HNO3, दैट इज नाइट्रिक एसिड. और ये एसिड के बारे में हमने अभी अभी रीड किया था, दीज ऑल आर द इनऑर्गेनिक एसिड. ओके, एंड दे शो द कोरोसिव इफेक्ट. और जब इस फॉर्म में बारिश नीचे आती है, इट कैन डैमेज ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द नेचर. जैसे ही आएगी, अगर एनिमल्स
इसमें रहते हैं तो एनिमल्स की स्किन है वो खराब हो जाती है, प्लांट्स हैं वो सारे इस एसिडिक रेन की वजह से सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये इसके एग्जांपल है। तो अपन ये बोल सकते हैं द टाइप ऑफ रेन इन विच रेन वाटर या वाटर ड्रॉपलेट्स मिक्सेस विद द पोल्यूटेंट्स ऑफ एनवायरमेंट लाइक NO2, CO2, SO2 एंड कन्वर्ट इनटू एसिड। That type of rain is known as the acidic rain. और इसके example हम पहले भी देख चुके हैं, acidic rain की वजह से हमने पढ़ा भी है कि जो हमारा ताजमहल जो monument है हमारे इंडिया का जो सेवन wonders में आता है उसका कलर जो है वो बहुत गंदा हो गया था, किसकी वजह से, acid rain की, क्योंकि वहाँ पे factories थी उनसे निकलने वाली harmful gases की वजह से वो environment कैसा हो गया था, बिल्कुल एसिडिक हो गया था। तो एसिडिक होने की वजह से धीरे धीरे उस पर असर हुआ, उसकी वजह से उस पर कैसा हो गया था, येलोइश कलर का हो गया था। बाद में उसको पॉलिश करके ठीक किया गया, वहां से उन फैक्ट्रीज को है वो हटाया गया। तो ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ केमिकल्स, सो दिस इज नोन एज द एसिड रेन। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।